नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह। दैनिक स्टेट समाचार में बस स्टैंड रिश्वत मामले में पुलिस इतना ढीला ढाला रवैया क्यों अपनाए हुए है? क्या ये अपने ऊपर जो लगे आरोप हैं उन्हें ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो आरोप फेक हैं, ये रिश्वत नहीं खाते हैं, ये पैसा नहीं लेते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं? जबकि हर बात प्रूफ है कि एक व्यक्ति को 7 दिन इन्होंने पुलिस स्टेशन बस स्टैंड में रखा और रखने के बाद रिश्वत लेने के बाद उसको वापस भेजा। तो कुछ प्रश्न हैं इन लोगों से। ये कहते हैं हमने डीएसपी साहब से बात की, तो डीएसपी साहब क्योंकि ये इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको कुछ सिटी के थाने दिए गए हैं कि ये वो इसके ऊपर देखें कि कहीं कुछ गलत वलत नहीं हो रहा है। लेकिन ये डीएसपी साहब की बातें सुने आप। ये कहते हैं कि वो व्यक्ति हमें लिखित रूप में एप्लीकेशन दे, या कोई और व्यक्ति एप्लीकेशन दे। तो जब आपने उस व्यक्ति को वहां से लाया था, बस स्टैंड पुलिस स्टेशन वालों ने लाया था, तो क्या एप्लीकेशन लिखी थी, किसी ने एप्लीकेशन दी थी? नहीं। 7 दिन वहां पर रखा गया, 7 दिन क्या किसी कोर्ट में आपने पेश किया है? कोई ऐसी जानकारी आप सार्वजनिक कर सकते हैं? नहीं। मुंशी से पूछा आपने कि किस बुनियाद पे ये व्यक्ति 7 दिन यहां पर रहा है? जो SHO वहां पर आए हैं उनसे पूछा कि आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है और आपको पता ही नहीं कि कोई व्यक्ति बिना किसी केस के, बिना किसी कोर्ट की रिमांड के आपने वहां पर रखा हुआ है? पूछा आपने। क्या इन लोगों पर कार्रवाई नहीं बनती? इसके लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये कहते हैं कि हम साफ हैं, हमारी छवि बिल्कुल धूमिल नहीं है, लोग हम पर पूरा विश्वास करते हैं और हम लोगों में अपना विश्वास बना कर रखेंगे। जिस तरह से इन्होंने विश्वास बनाया हुआ है, वो व्यक्ति जिसको इन्होंने, जिससे पैसे लिए थे और वापस लौटाए, उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि हो सकता है उसकी गर्दन पे किसी ने चाकू रखा हो और फिर वो बोल रहा हो। अपने उनसे भी पूछ लो, या आपकी गर्दन पर किसी ने, डीएसपी की गर्दन पे किसी ने चाकू रख लिया है कि वो ये कह रहे हैं अब कि हम क्या करें, हम कर रहे हैं, चल रही है धीमी धीमी कार्रवाई हो जाएगा। इस तरह से अगर आप अपने लोगों को शेयर देते रहे तो वो दिन दूर नहीं है। कि जब जो थोड़ा बहुत विश्वास है वो भी खो दो। ये लोग जिस तरह से क्राइम कर रहे हैं, जिस तरह से ये करप्शन कर रहे हैं, ऐसे में ये और ज़्यादा करप्शन जो है वो करने लग जाएं, क्योंकि उनको छूट मिल जाए। इनको पता है पीछे हमारे ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो हम पर आँच नहीं आने देंगे। और इनको एप्लीकेशन चाहिए, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र भगत है, हमारे पत्रकार हैं। थोड़ी बहुत कानून की, माना हम लोगों को कानून की उतनी जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत तो होगी, 0.1% ही समझ लीजिए होगी। क्या कहते हैं सर, क्यों इतना ढीला ढाला रवैया इनका? देखिए, लगता नहीं था ऐसा होगा जिस तरह से ये मामला गया है सीनियर अधिकारियों के पास। मुझे लगता है इस पर फौरन एक्शन होना चाहिए। और जैसा आप बता रहे हैं कि जो SDPO उनसे बात हुई है, जो इस मामले को देख रहे हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हमारे पास लिखित में, वो व्यक्ति लिखित में देगा, ये चीज़ समझ नहीं आती है कि कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं चोरी हो जाती है, तो आप जितने लोगों को उठाते हैं, जब जैसी भी आप कार्रवाई करते हैं, क्या लिखित में लेते हैं? जब आपने उस व्यक्ति को यहाँ थाने के अंदर लाया था तो लिखित किसने दिया था? जब आपने छोड़ा था उसको तो कहाँ लिखित दिया था? आपने उसको 7 दिन अंदर रखा था तो किस कानून के तहत आपने रखा था? क्या आपने उसकी कस्टडी डाली थी? आपने क्या केस के साथ कोई नथी किया था? आपने किया क्या था? और फिर आप बोल रहे हैं कि हम उस मामले में जहाँ उससे पैसे मांगे गए हैं, पैसे वापस हुए हैं, उसके अकाउंट में गए हैं वापस, तो उसके बाद आप आगे की कार्रवाई जो है वो व्यक्ति लिखित में देगा। एक आदमी जिसको पुलिस ने 7 दिन रखा है, उससे पैसे लिए, अपने ऑफिसरों से, अपने उनसे नहीं पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपने कोई गलती की है, ये नहीं पूछना चाहते हैं। ये कहते हैं हम पाक साफ हैं, हमारी छवि बिल्कुल धूमिल नहीं है, हमने कभी 1 रुपया नहीं खाया है, ये साबित कर दें। कौन सा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा पैसे खाता है, कौन सा नहीं खाता है, कौन लेता है कौन देता है, ये किसी से छुपा नहीं है, किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हम लोग। इस मामले में अगर आप देरी कर रहे हैं इसमें, तो इस मामले को लेकर और भी लोग हैं जो हमसे संपर्क कर रहे हैं कि सर हमसे भी ऐसा
किया गया है उस व्यक्ति ने लिया है, क्योंकि जब कोई चीज़ सुर्खियों में आ जाती है ना, अगर बस स्टैंड क्षेत्र थाना अगर सुर्खियों में आया तो बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं कि ये हो रहा है, मैं बोलने को तैयार हूँ, मुझसे ऐसे किया गया था ये बहुत, लेकिन हम लोग फिलहाल उसी पर फोकस कर रहे हैं कि आप उस मामले को फोरम से करो, आपके सामने सब चीज़ें आ गई हैं, अब आप इंक्वायरी अगर आपके पास आ तो आप पूरी इंक्वायरी भेजिए, आप उसको बचाने के चक्कर में क्यों लगे हैं, इसका मतलब आपका कर्मी है तो आप बचाने के चक्कर में होंगे, ऐसा नहीं चलेगा, आपको करना ही पड़ेगा, आप देरी मत करें इसमें। और दूसरा आप जो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति आपको आगे, क्या व्यक्ति आगे आएगा, वो उस आदमी को आपने पकड़ा था, किस तरह से टॉर्चर किया था, किस तरह से पैसे लिए थे, किस मारा तरह उसको मारा भी, वो कह रहा था कि मुझे मारा, तो ऐसे लोगों पे विश्वास वो आपके पास मिलने आएगा, क्या कहें इन लोगों को। देखिए पुलिस को एक आदमी मिलने आएगा, वो आदमी जिसको आपने पहले ही टॉर्चर कर दिया है, सब कुछ किया, परेशान किया उसको, सब कुछ करने के बाद आप बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति लिखित में देगा, किसके खिलाफ, उसी आदमी के खिलाफ जिसने उसको रखा हुआ, ऐसा नहीं होता। ये आप सब रफा दफा मामले करने के ये सारे षड्यंत्र होते हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको तुरंत ये कार्रवाई करनी चाहिए, उसको इतनी देर में तो वो सारे जो व्यक्ति है इतनी देर में वो अपने सारे प्रूफ हटा देगा, सबको धमकियां दे देगा। थोड़ा सा इनको बताएं कि जब कोई किसी व्यक्ति को लाते हैं तब क्या प्रोटोकॉल है, और जब छोड़ते हैं तब क्या प्रोटोकॉल है, इनको बताएं, इनको भी कानून बताना ही पड़ेगा, क्या करें। देखो सर 169 के तहत जब भी कार्रवाई होती है, जैसे छोड़ा जाता है, ये देखो छोटी छोटी कार्रवाई होती है, इसके विषय में जब कोई लंबी डिबेट होती है फिर बातचीत होती है, पर इनको सबको पता होता है कि आदमी को लाया जाता है तो क्या उसको रखा जाता है, 8-10 घंटे रखते हैं, 24 घंटे रखते हैं, तो फिर कौन सा कानून की धाराएं लगाते हैं, आप कितने दिन उसको रखते हैं तो फिर कौन सी लगाते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ता है, केस में कैसे डालना, जब आप उसको छोड़ते हैं तो किस तरह से कार्रवाई करते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने वायलेशन किया। अगर आप इतना टाइम लगा रहे हैं वो सारी कमियों को पूरा करने के आप रख रहे हैं, मुझे लग रहा है, अच्छा सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा कि जो थाना अध्यक्ष हैं, अगर ठीक है पहले मामला आपके संज्ञान में नहीं था, अब तो मामला आपके संज्ञान में आ गया ना, आप इंचार्ज हैं वहाँ से, और दूसरा जो DSP साहब हैं वहाँ उनके भी संज्ञान में आ गया, आप इमीडिएटली उसको साइड तो करो, आप उसके बाद आप कार्रवाई करो, वो इतनी देर में वो सारे सिस्टम को सेटल करता जाएगा, उधर सेटल करता जाएगा कानून की, क्योंकि जिनका काम ही कलम चलाना है, कानून को इधर से इधर करना है, और पुलिस की यूनिफॉर्म भी उसके पास है, तो इससे मामला नहीं होगा। अगर इंक्वायरी दी गई है तो मुझे लगता है पाक साफ इंक्वायरी होनी चाहिए, इससे पहले कि मीडिया ट्रायल होता रहे, लोग बोलते रहे, जवाब मांगते रहे, दर्शक पूछते रहे, हमसे पूछते हैं कि भाई साहब उस मामले का क्या हुआ, वो व्यक्ति का क्या हुआ, क्या उसको न्याय मिला नहीं, तो हम लोग देखिए हम लोग ये स्टोरी करना अभी छोड़ेंगे नहीं, और जो इसके साथ तार जुड़ते जाएंगे और भी जुड़ते जा रहे हैं, कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, फिर ये लंबा मामला हो जाएगा। मुझे लगता है इस मामले को समेट के रफा दफा करना चाहिए, और खासकर हमारी जो छवि है पुलिस की, हम तो कहते हैं आप थोड़ा और ढीला करें, हम थोड़े और आपकी बातें सुनाएंगे लोगों को, लोग सुनेंगे, लोगों को पता चलेगा आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वो क्या लग रहा है इतना ढीला रवैया DSP साहब का, ये क्या लगता है इसमें, DSP साहब तो नहीं कहीं पैसे खा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि, लेकिन अगर आप बचा किसी पर इस तरह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर लोग शक करते हैं। लोग देखो लोग क्या है, पब्लिक जो खबर देखती है वो अनुमान लगाती है कि अगर आप अपने काम के साथ न्याय नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप किसी न किसी को बचा रहे हैं। हर चीज़ पैसा खाना नहीं होता, मतलब आप दूसरे को सेव करना, अपने सहयोगी को सेव करना, किसी को करना, सेव करने के चक्कर में ऐसा नहीं ना हो कि ये लोगों को शूट मिल जाए और ये समझें कि हमारे पीछे तो ऑफिसर हैं, क्या हो जाएगा, हम करते रहेंगे, हम ये और लोगों को लूटेंगे। इससे पहले भी एक मामला हमारे पास आ रहा है SI साहब का, ये उनसे भी उस बंदे से भी पैसा इन्होंने लिया था और SHO ने वापस करवाया था, ये क्या कर रहे हैं? वो दूसरा मामला भी आया है हमारे पास, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर फौरन इस पर बात करें, अभी दूसरा आएगा फिर तीसरा भी आ जाएगा, इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे, हम लोग फिलहाल उस पर फोकस नहीं करने वाले, इस पर अभी एक बार इनको बोल दें ये क्या करें। नहीं नहीं उसमें क्या होता है, देखिए मैं कौन होता हूँ कहने वाला, वो सब मानते हैं इस बात को, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर एक आदमी इसमें मामले में आया है, अगर आपके पास इंक्वायरी का है, आप उसमें सही से जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसको करें आप। अब आप इतने दिन में कार्रवाई क्या है, किसी आदमी को अगर आपने पकड़ना है, चोर को पकड़ना, तो आप पकड़ लेते हैं 2 मिनट में, पकड़ पकड़ के उसे समेट के उसको ठोक देते हैं अंदर। तो अगर आप करना चाहते हैं करिए, आप मुजरिम के साथ तो सब कर लेते हो। दूसरा ये कह रहे हैं कि वो लिखित में देगा, क्या लिखित में देगा, यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, ये सुपरवाइजर साहब है, ये सुपरवाइजर साहब का हाल है। सारे चोरों को पकड़ा जाता है, एक चोर चोरी बरामद करने के लिए 10 लोगों को पकड़ा जाता है जो उसके साथ कहीं हो सकते हैं, क्या कोई लेटर देता है लिख के, तब नहीं उठाते हैं। आपके पास ये ताकत है, कानून में ये नियम है कि अगर आपको शक हो रहा है किसी चीज़ पर तो उसको आप ला सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसे कुछ क्राइम होते हैं जिनका कोई आगे पीछे का नहीं होता, लेकिन पुलिस को वहाँ कार्रवाई करनी पड़ती है।
और एक व्यक्ति आपके अगर थाने का है, आपके थाने का, तो फिर तो आप जितने मर्जी बहाने लगाएं ऐसे नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा आपको, ये तो करना पड़ेगा। शुक्रिया सर, ये तो कह रहे हैं करना पड़ेगा, लेकिन ये लगता नहीं है कि ये करेंगे, क्योंकि इनकी छवि धूमिल ना हो, कागज़ों में अच्छा अच्छा लिखा जाए, पेपरों पर सही सही लिखा जाए। कभी इन्होंने आज तक ज़िंदगी में करप्शन नहीं की है, पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। यहाँ पर दिखता है कि ये कहीं ना कहीं पार्शलिटी कर रहे हैं, पत्रकारों को प्रताड़ित करना है, दूसरे लोगों को जो बेगुनाह लोग हैं उनको प्रताड़ित करना है, और ये चल रहा है। अभी क्या करेंगे ये व्यवस्था, लेकिन ये व्यवस्था हमें लगता है कि ये लोगों को ही ठीक करनी होगी, और लोग जब तक इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये व्यवस्था जो है बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है। आप लोगों की राय महत्वपूर्ण है, और इस मामले में पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है इसके ऊपर ज़रूर राय दें, और अगर आपको सही लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं तो ठीक ठीक लिखें, और आपको लग रहा है कि गलत काम कर रहे हैं तो गलत गलत लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।